बच्चों, आज हम शब्द गिनने वाले पाठ की एक्सरसाइज समझेंगे। तो देखिएगा, प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने। फर्स्ट, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, यहाँ पर दिया गया है अष्टाविंशति ही, 28 राज्य हैं हमारे देश में। आगे कहा गया है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, सप्त भगिन्ने हैं जो हमारे उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य वो हमारे स्वाधीन स्वतंत्र थे। आगे कहता है केशाम समवाय सप्त भगिन्ने इति कथ्यते, किन का समवाय को सप्त भगिन्नी कहते हैं, वो कहते हैं फिर सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के समवाय को सप्त भगिनी कहती। आगे है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, अस्माकं देशे 7 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, 7 बेटा पहले 7 थे, लेशन के अनुसार 7 हैं, लेशन के अगर अलावा हम जाते हैं तो अब हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब इसके आगे सप्त भगिनी प्रदेश का उद्योग है सर्वप्रमुख है, तो ये इसका आंसर है कि आया था वंशोद्योग है, या तो ऐसे लिखें या फिर वंश प्लस उद्योग है। अब क्वेश्चन थर्ड है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। सप्त भगिनी प्रदेश, सप्त भगिनी ये दिया गया, यहाँ पर देखिएगा भगिनी सप्तक के एकानी राज्य ने संत, अर्थात भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं, तो यहाँ दिया गया भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति, सप्त राज्यानि सन्ति, ये 7 राज्य हैं। आगे देखिएगा इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति कम किमर्थम कथ्यन्ते, इनको सप्त भगिनी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर ये बताया गया प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह जो प्रयोग है प्रतीकात्मक है, और इसके लिए ही आप देखिएगा कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानी, माना जाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों में यह समानता है, तो इन्हीं के कारण इसको सप्त भगिनी नाम से कहा जाता है। अब आगे था हमारा सप्त भगिनी प्रदेश के निवसंती, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं, सप्त भगिनी प्रदेश गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः भव जनजातियः निवसंती, ये जातियों के नाम है गारो खासी नगा मिजो इत्यादि, बहुत सारे जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। आगे पूछा गया है एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति, ये जो यहाँ के जो लोग हैं जनजातियाँ किस में प्रसिद्ध कुशल हैं, ये कहता है एतत् प्रादेशिका, ये जो प्रादेशिक जो जनजातियों वाले लोग हैं स्वलीलाः कलाभीष्ट निष्णाताः सन्ति, अपनी लीला और कलाओं में निष्णात हैं। तो यहाँ पर बेटा ये जो दिया गया है ये यहाँ पर ये एक साथ है स्वलीला कलाभीष्ट निष्णाताः। आगे कहता था ये वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश बांस की वस्तुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये देखिएगा ये कहाँ किया गया, अब ये देखिएगा बच्चों वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग है आवस्त्राभूषणे भग्रे निर्माण पर्यंतम क्रियते, अर्थात तो बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग आवस्त्र मतलब वस्त्रों से और आभूषणों से लेकर के घर के निर्माण तक किया जाता है, अर्थात वस्त्र आभूषण और घर भी बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ का है रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, तो ये देखिएगा स्वदेशस्य इसकी जगह क्या आ जाएगा कस्य आ जाएगा, ये दिया हुआ है। आगे सप्त भगिन्य है, ये प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें क्या जाएगा का के कहा कहा प्राचीन इतिहासी प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रदेशी अस्मिन हस्तशिल्प
शिल्पीनाम बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्पीनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो इसके लिए आ जाएगा प्रदेशी अस्मिन केशाम बाहुल्यम वर्तते, केशाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और पुल्लिंग है। आगे देखिएगा, एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये राज्यानि का विशेषण है स्वर्ग, स्वर्ग सदृशानि तो विशेषण के लिए प्रयोग करते हैं कि दृश्य कैसा ये करते, तो एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि, कीदृशानि दिया हुआ यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए, कीदृशानि होना चाहिए। आगे देखिएगा बच्चों, ये जो कीदृशानि है कीदृशानि होना चाहिए कीदृशानि की बजाय। आगे देखिएगा, फिफ्थ एक्सरसाइज है, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। महोदय में भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै कस्य प्रयुक्तम, ये मे सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया, लेसन में देखोगे तो इस लाइन को वो स्वरा कह रही थी, तो स्वरा ये इसका आंसर है। आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, अस्मिन् वाक्य प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्, यहाँ पर ये प्रथितानि जो शब्द दिया गया इसका कर्ता पद क्या, ये इमानी है, तो उत्तर देखेंगे यहाँ पर इमानी आ गया, ये दिया हुआ इमानी। अब आगे देखिएगा, आगे कहता है थर्ड वाला, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद विहितम, तो देखिएगा आंसर है विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखते, अल्पता का अल्प माने कम, कम का विलोम पद यहाँ पर हमने चुनना है, तो क्या प्राचुर्यम, प्राचुर्य मतलब अधिकता, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्षेत्र परिमाण ही माने लघुनि वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण से बहुत छोटे, वाक्यात वाक्य से संति इति क्रियापद से, संति क्रियापद का समानार्थक पद चुन करके लिखना है, तो यहाँ पर वर्तन्ते शब्द है, ये वर्तन्ते, वर्तन्ते और संति समानार्थक है, तो ये आंसर आ गया यहाँ पर वर्तन्ते, आंसर आ गया बेटा। सिक्स्थ एक्सरसाइज पर आ जाइएगा, पाठ से चुन करके तद्भव पदों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत के पद लिखने, तो यहाँ उत्तर दिया गया है, बैन के लिए भगिनी आ गया, संगठन के लिए संगठनम आ गया, बांस के लिए वंशम आ गया, आज के लिए अध्यागा, खेत के लिए क्षेत्रम आ गया। आगे देखिएगा बच्चों, इसी का सिक्स्थ एक्सरसाइज का खै पार्ट है, देखिएगा आप, भिन्न पद छाटना है, गच्छति पठति धावति अहसत क्रीडति, यहाँ पर अहसत लंग लकार का है और चारों जो दूसरे बच गए ये लट लकार है, इसलिए अहसत यहाँ पर भिन्न पद है। आगे छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, ये तीनों, और क्रीडक है, ये चारों पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, इसलिए लेखिका यहाँ भिन्न पद हो जाएगा। आगे पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र है, फलम शाखा, यहाँ पर शाखा स्त्रीलिंग शब्द और सारे के सारे नपुंसक लिंग शब्द हैं, और यहाँ आम्रह को हम आम्रम कर लेंगे, ये जो दिया गया आम्रह इसको आम्रम कर लेंगे, तो शाखा इसका आंसर आ जाए, भिन्न पद है। आगे व्याघ्र है, भल्लूक है, गज है, कपोत है, वृषभ है, सिंह है, यहाँ पर कपोत है, कबूतर एक पक्षी और सारे के सारे पशु हैं, इसलिए यहाँ पर कपोत है आ गया, क्योंकि पक्षी और सारे के सारे पशु हैं। आगे पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा, यहाँ पर चार शब्द पृथ्वी के लिए प्रयोग किए गए, पृथ्वी वसुंधरा धरित्री और वसुधा, यानम गाड़ी, ये इसलिए यहाँ पर अलग है, वे चारों स्त्रीलिंग हैं और पृथ्वी के लिए प्रयोग भी हो रहे हैं, और यानम एक नपुंसक लिंग है जो पृथ्वी के लिए प्रयोग नहीं हो रहा, इसलिए ये यहाँ पर अलग है। अब सेवंथ पे आइएगा बच्चों, सेवंथ पे क्या है, विशेषण और विशेष्यों का सही मिलान करना है, मिलान करते हुए आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे आप, ये आ जाएगा यहाँ बच्चों, ये है बच्चों, देखिएगा आप, अयम प्रदेश है और इसके साथ में
संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वादायिनी संस्कृति और प्राचीनी इतिहासे एक है समवाय है, ये इसका आंसर है बच्चों। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो फ़ोन कर लेंगे, व्हाट्सएप या व्हाट्सएप छोड़ देंगे। तो धन्यवाद, ओके।